नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी यूजी सीनेट आदि अन्य किसी भी राज्य से हिंदी अध्यापक से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को अवश्य देखें, और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न 161, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। विकल्प दो सही है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने तीन प्रकार के जीवों का वर्णन किया है, निम्न में से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य ने नहीं की? दोस्तों, वल्लभाचार्य में ने जिन जीवों का वर्णन किया है वो प्रवाह जीव है, मर्यादा जीव है, पुष्ट जीव है, और इनके अलावा दोस्तों आसक्त जीव जो दिया हुआ है ये नहीं है। विकल्प एक आसक्त जीव सही है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष में हुई है? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था, जो कि विट्ठलनाथ ने चार अपने शिष्यों को मिलाकर, चार अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। विकल्प दो सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की, और वल्लभाचार्य जी की बात की जाए तो वल्लभाचार्य जी शुद्धा शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, और रामानंद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और रामानुज की बात की जाए तो ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है, और इनके दर्शन का नाम है विशिष्टा अद्वैतवाद, इनका दर्शन है। चलिए, अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? दोस्तों, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जो कि अष्टछाप कवियों में के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, वल्लभाचार्य के जिन चार शिष्य अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं वो इस प्रकार हैं, सूरदास सूरदास कृष्णदास परमानंद दास और कुंभन दास। ये चारों चारों कवि अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, सूरदास कुंभन दास परमानंद दास कृष्णदास, ये चारों शिष्य अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी चारों शिष्य वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और विट्ठलनाथ की बात की जाए तो विट्ठलनाथ दोस्तों इनके भी चार शिष्य अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, छीत स्वामी गोविंद स्वामी चतुर्भुज दास नंददास। ये चार शिष्य अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये चारों विट्ठलनाथ के शिष्य थे। चलिए, अगला प्रश्न, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। चलिए, अगला प्रश्न है, नंददास किसके शिष्य थे? नंददास दोस्तों नंददास अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, और ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। चलिए, अगला प्रश्न है, अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक वर्णन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों, अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख दोस्तों विकल्प दो भाव प्रकाश में मिलते हैं, भाव प्रकाश में मिलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पूर्व मीमांस भाष के रचनाकार हैं? पूर्व मीमांस भाष के रचनाकार हैं दोस्तों वल्लभाचार्य हैं। पूर्व मीमांस भाष के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य हैं, और मीमांस दर्शन की बात की जाए तो इनका दर्शन है जैमिनी का मीमांस दर्शन है, और योग दर्शन पतंजलि का है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, सूरदास का जन्म सीही ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य प्रश्न है
वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य किस भाव की भक्ति करते थे? वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूरदास दोस्तों दास भाव की भक्ति करते थे, दास भाव की भक्ति करते थे, और बाद सूरदास के संपर्क में आने के बाद दोस्तों वो सख्य भाव की भक्ति करने लगे थे, और इससे पहले दास भाव की भक्ति करते थे। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प चार सही है। और दोस्तों सख्य भाव की बात की जाए तो सख्य भाव ये पहले करते थे, सख्य भाव फिर उनके संपर्क में आने के बाद करने लगे, और माधुर भाव दोस्तों मीराबाई की भक्ति है, माधुर भाव मीरा भक्ति स्वीकार करती हैं दोस्तों। और दास भाव दोस्तों तुलसीदास ने दास भाव स्वीकार किया। चलिए अगला प्रश्न है, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणनी धरें, सूर कवित्व सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करें। दोस्तों ये पंक्तियाँ बताना है किसकी हैं, ये पंक्तियाँ हैं नाभादास की, विकल्प दो सही है, नाभादास की विकल्प दो सही है। और सूरदास की बात की जाए तो दोस्तों ये वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं, और ये अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं, और इनकी रचनाएँ हैं साहित्य लहरी जो कि 1550 ईस्वी की है, साहित्य लहरी 1550 ईस्वी की है। साहित्य लहरी के अलावा सूर सागर और सूर सरावली सूरदास की रचना है। और नंददास की बात की जाए तो दोस्तों ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं जो कि अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों रूपमंजरी, रसमंजरी, भंवर गीत और अनेकार्थ मंजरी आदि रचनाएँ हैं दोस्तों। वल्लभाचार्य जो कि शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों नाभादास, विकल्प दो सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अष्टचाप का कवि नहीं है। दोस्तों हम बता देते हैं अष्टचाप के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। चार वल्लभाचार्य के शिष्य जो कि अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं, वल्लभाचार्य के चार शिष्य हैं परमानंद कृष्णदास, सूरदास और कुंभनदास, ये चारों वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और विट्ठलनाथ के जो कि अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंददास, ये चार अष्टचाप के अंतर्गत जो कि विट्ठलनाथ के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से नाभादास जो कि अष्टचाप के अंतर्गत नहीं है, हम पहले भी बता चुके हैं, जो चार शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और चार शिष्य विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और ये अष्टचाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 173, सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरसागर और साहित्य लहरी दोस्तों, साहित्य लहरी का रचना काल है 1550 ईस्वी, जो कि ये सूरदास की रचनाएं हैं। और इनकी एक और रचना है भ्रमर गीत भी सूरदास की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प एक सही है, सूरदास सही है। और नंददास की बात की जाए दोस्तों, इनकी रचनाएं हैं रूपमंजरी, अनेकार्थ मंजरी और भंवर गीत आदि रचनाएं हैं दोस्तों। परमानंद वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे जो कि अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं, छीत स्वामी दोस्तों विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ये भी अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दृष्टिकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? दृष्टिकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प दो सही है, साहित्य लहरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें सूर सागर और सूर सरावली जो कि सूरदास की ये दोनों रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 175, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? भ्रमर गीत का मुख्य आधार दोस्तों भागवत का दसम स्कंद रहा है। विकल्प तीन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुखन माधव सुमरईत सुंदर भेली मधाई, अनुखन माधव सुमिर इत सुंदर भेली मधाई,
पंक्ति बताना है दोस्तों, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है विद्यापति की है। विद्यापति की बात की जाए तो ये आदिकाल के अंतर्गत आते हैं, विद्यापति आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। और इनकी रचनाएं हैं दोस्तों पदावली, जो कि मैथिली भाषा में है, पदावली मैथिली भाषा में है। और कीर्तिलता कीर्ति पताका, जो कि अवहट भाषा में है। और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प एक विद्यापति सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। दोस्तों बताना है किसकी पंक्ति है? दोस्तों ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। दोस्तों कथन दिया हुआ, फिर से अगला प्रश्न। श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। दोस्तों ये कथन किसका है बताना है? ये कथन दोस्तों विकल्प चार रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प चार रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 179, रस मंजरी के रचयिता हैं। रस मंजरी के रचयिता दोस्तों अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, ये जो कि ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। नंददास की रचना है, नंददास की रचना रस मंजरी है। रस मंजरी के अलावा इनकी और रचनाएं हैं, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी और भंवर गीत आदि रचनाएं हैं नंददास की दोस्तों। और धर्मदास की बात की जाए तो ये कबीरदास के शिष्य थे, धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। और सूरदास की बात की जाए तो अष्टछाप के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं। और इनकी रचनाएं हैं भ्रमर गीत, साहित्य लहरी जो कि 1905 ईस्वी की है, और साहित्य लहरी के अलावा सूर सरावली भी सूरदास की रचनाएँ हैं। और इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों रस मंजरी के रचयिता विकल्प तीन नंददास सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ताहि छन उड़ुराज उदित रसराज राज सहायक। अगली पंक्ति है, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जन नागरी नायक। दोस्तों पंक्तियाँ किसकी हैं बताना है? तो ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों विकल्प दो नंददास की पंक्तियाँ हैं। इससे पहले नंददास की रचनाओं के बारे में हम जान ही चुके हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और भंवर गीत आदि रचनाएं हैं। और सूरदास की बात की जाए तो सूरदास की रचनाएं साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूर सरावली आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर नंददास सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मोमन गिरधर छवि पय अटक्यों ललित त्रिभंग चाल पय चलिकें चिबुक चारि गणि ठटक्यों। दोस्तों ये पंक्तियाँ बताना है किसकी हैं? ये पंक्तियाँ दोस्तों वल्लभाचार्य जी के शिष्य कृष्णदास की हैं। और कृष्णदास की रचना है दोस्तों जुगल मानचरित कृष्णदास की रचना है। और दोस्तों ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे जो कि अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। और सूरदास की बात की जाए तो सूरदास दोस्तों वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। और इन्होंने सख्य भाव भक्ति की है। और इनकी रचनाएं हैं सूर सरावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत आदि रचनाएं हैं। मीरा मीरा दोस्तों इनके गुरु का नाम रैदास था मीरा के। और ये माधुर भक्ति इनकी भक्ति है, माधुर्य भक्ति। और इनकी रचनाएं हैं दोस्तों पदावली, राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा आदि रचनाएं हैं। परमानंद की बात की जाए दोस्तों ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे जो कि अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों परमानंद सागर, दान लीला, ध्रुव चरित आदि रचनाएँ हैं। चलिए दोस्तों ये पंक्तियाँ कृष्णदास की हैं, विकल्प एक कृष्णदास सही है। चलिए अगला प्रश्न, पंक्तियाँ दी हुई हैं इनको पढ़ना है। कहाँ करो बैकुंठ ही जाए जहाँ नहीं नंद जहाना जसोदा नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। दोस्तों ये पंक्तियाँ बताना है किसकी हैं? पंक्ति दोस्तों परमानंद की हैं, परमानंद की जो कि ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और ये कृष्ण
अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं। और इनकी रचनाएं हैं दोस्तों परमानंद सागर और दान लीला आदि रचनाएं हैं। और कुंभन दास की बात की जाए दोस्तों, कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे, और वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और नंददास दोस्तों ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत आदि रचनाएं हैं। सूरदास की बात की जाए तो दोस्तों ये वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसरावली, साहित्य लहरी और भंवर गीत आदि हैं। चलिए तो ये इस प्रश्न का उत्तर विकल्प दो परमानंद सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहियाँ टूटी, बिसर गया हरिनाम। दोस्तों ये पंक्तियां बताना है किसकी हैं। दोस्तों ये पंक्ति विकल्प तीन कुंभन दास की हैं जो कि ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और कुंभन दास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं। परमानंद भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं परमानंद सागर, दान लीला, ध्रुवचरित, ये सभी परमानंद की रचनाएं हैं। और सूरदास को जानते ही हैं, ये वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। चीत स्वामी दोस्तों विट्ठलनाथ के शिष्य थे और ये भी अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो इस प्रश्न 183 प्रश्न का उत्तर विकल्प तीन कुंभन दास सही है। चलिए अगला प्रश्न है 184 जुगल मानचरित किसकी रचना है। दोस्तों जुगल मानचरित कृष्णदास की रचना है। विकल्प चार सही है कृष्णदास की। और दोस्तों ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और रस खान की बात की जाए तो रस खान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान, रस खान, अष्टायाम आदि रचनाएं हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं, रस खान की रचनाएं प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान, रस खान, अष्टायाम, ये सभी रस खान की रचनाएं हैं। और परमानंद दोस्तों वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और मीराबाई की बात की जाए तो मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास था। और इनकी रचनाओं की बात की जाए, मीराबाई की रचनाएं हैं दोस्तों पदावली, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा आदि रचनाएं। एक बार फिर से बता देते हैं, पदावली, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, ये सभी मीराबाई की रचनाएं हैं। दोस्तों जुगल मानचरित किसकी रचना है। विकल्प चार कृष्णदास सही है। चलिए अगला प्रश्न 185 हित जू को मंगल किसकी रचना है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर विकल्प तीन सही है। चतुर्भुज दास सही है। दोस्तों ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और ये कुंभन दास के छोटे पुत्र थे। और कृष्णदास की बात की जाए दोस्तों, तो इनकी रचना है जुगल मानचरित, प्रेम तत्व निरूपण आदि रचनाएं हैं। और सूरदास की बात की जाए तो दोस्तों सूरदास वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत आदि रचनाएं। और विकल्प चार नंददास की बात की जाए तो नंददास दोस्तों विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जो कि नंददास अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी और भंवर गीत आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 186 राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। दोस्तों राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, गोसाई हित हरिवंश हैं। सॉरी दोस्तों, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक विकल्प दो गोसाई हित हरिवंश हैं। और दोस्तों गोसाई हित हरिवंश, इन्होंने राधा को सर्वोपरि माना है। हित हरिवंश राधा को सर्वोपरि माना है तथा इसमें तत्सुखा भाव को महत्व दिया गया है। हित हरिवंश ने तत्सुखा भाव को महत्व दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है राधा सुधानिधि के रचनाकार हैं दोस्तों। विकल्प ए
हित हरिवंश हैं। हित हरिवंश जो कि इसे पहले देख चुके हैं, हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक है और इन्होंने राधा को सर्वोपरि माना है, राधा को सर्वोपरि माना है तथा इसमें तत्सुखा भाव को महत्व दिया है। और हित हरिवंश राधा हित हरिवंश की राधा सुधानिध के अलावा इनकी एक और रचना है यमुनाष्टक, हित हरिवंश की रचना है। और सूरदास इससे पहले बहुत बार बता चुके हैं, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी 1550 ईस्वी की है, सूर सरावली भ्रमर गीत आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 188। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 ही बार प्रणाम करूँ करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। दोस्तों ये पंक्तियाँ बताना है किसकी हैं, पंक्ति दोस्तों ये विकल्प 3 मीराबाई की पंक्ति हैं जो कि इन्होंने तुलसीदास को लिखा था। और दोस्तों तुलसीदास की बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं जो कि तुलसीदास सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस जो कि रामचरितमानस की का रचना काल है 1574 ईस्वी और ये अवधि भाषा में है। और इनकी और रचनाएँ हैं गीतावली दोहावली विनय पत्रिका जो कि ये सभी हैं ब्रज भाषा में। और भूषण की बात की जाए तो भूषण दोस्तों रीत काल के कवि हैं, भूषण रीत काल के कवि हैं, भूषण रीत काल के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों शिवराज भूषण शिवा वामनी छत्रसाल दशक आदि रचनाएं हैं। और रस खान की बात की जाए दोस्तों इनकी रचनाएं हैं प्रेम वाटिका दान लीला सुजान रस खान अष्टायाम, ये सभी रचनाएं रस खान की हैं। एक बार फिर से बता देते हैं प्रेम वाटिका दान लीला सुजान रस खान अष्टायाम, ये सभी रस खान की रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 3 मीराबाई सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मीराबाई की उपासना किस भाव की है, मीराबाई की उपासना दोस्तों माधुर्य भाव की है, माधुर्य भाव की है। और मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास था दोस्तों, मीराबाई की भक्ति भक्ति उपासना है माधुर भाव की है। और दोस्तों दास भाव की बात की जाए तो दास भाव की भक्ति दोस्तों तुलसीदास की है और सख्य भाव की भक्ति दोस्तों सख्य भाव दोस्तों सूरदास का है और वात्सल रस के सम्राट सूरदास माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है दोस्तों, नरसिंह जी का मायरा नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है, मीराबाई की रचना है। इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं पदावली राग गोविंद राग सोरठा आदि रचनाएं मीराबाई की हैं। गुरु नानक की बात की जाए तो गुरु नानक देव दोस्तों इनकी रचनाएं हैं आसदीवार सोहिला नसीहतनामा रही रास आदि रचनाएं गुरु नानक देव की हैं। दोस्तों कबीरदास की रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाओं का दोस्तों संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था जो कि इनकी रचनाएं हैं बीजक जो कि बीजक 3 भागों में विभक्त है साखी शबद रमैनी आदि में। और रामानंद की बात की जाए तो ये दोस्तों रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए अगला प्रश्न है या पंक्तियाँ दी हुई हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डाराओ, दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो, ये पंक्तियाँ बताना है दोस्तों किसकी हैं। ये पंक्तियाँ हैं रसखान की, विकल्प 2 रसखान सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके सूरदास मदन मोहन आधी रातें सटके। दोस्तों बताना है ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये पंक्तियाँ दोस्तों विकल्प 4 सूरदास मदन मोहन की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मन रे परस हरि के चरण शुभक शीतल कमल कोमल
त्रिविध ज्वाला हरण। दोस्तों पंखियां बताना है किसकी हैं, तो ये पंखियां हैं मीराबाई, विकल्प तीन सही है, मीराबाई की हैं, मीराबाई की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दान लीला किसकी रचना है, दान लीला, दान लीला किसकी रचना है, दान लीला। दोस्तों दान लीला नंददास की रचना है, जो कि ये विट्ठल नाथ के शिष्य और अष्ट, ये अष्ट छाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। विकल्प दो दान लीला नंददास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 195 पुष्टिका जहाज किसे कहा जाता है, पुष्टिका जहाज किसे कहा जाता है। दोस्तों पुष्टिका जहाज, पुष्टिका जहाज सूरदास को कहा जाता है, सूरदास वात्सल रस के सम्राट, सॉरी दोस्तों सूरदास वात्सल रस के सम्राट थे और ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर विकल्प एक सूरदास सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है भक्ति रसा अमृत सिंधु काव्य की रचना किसकी है, भक्ति रसा अमृत सिंधु काव्य किसकी रचना है। दोस्तों बताना है ये किसकी रचना है, तो इस काव्य की रचना, रचनाकार हैं विकल्प, विकल्प दो रूप गोस्वामी की है, भक्ति रसा अमृत सिंधु रूप गोस्वामी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता हैं, आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता हैं। दोस्तों आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी की है, और इनके अलावा अखरावट, अखरावट चित्रलेखा आदि रचनाएं हैं। सूरदास की बात की जाए तो ये कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत सबसे प्रमुख कवि आते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और तुलसीदास दोस्तों राम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, और इनकी रचनाएं प्रमुख रामचरितमानस, जो कि 1574 ईस्वी की है, और इनके अलावा विनय पत्रिका, राम लला नच्छू, गीतावली, हनुमान बाहुक आदि रचनाएं हैं। ईश्वरदास की बात की जाए दोस्तों तो इनकी रचना है सत्यवती कथा, जो कि 1501 ईस्वी की है, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी की है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प एक जायसी सही है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों पंक्तियाँ दी हुई हैं, शोभित कर नवनीत लिए घुट रन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। एक बार फिर से पढ़ते हैं, शोभित कर नवनीत लिए घुट रन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। दोस्तों पंक्तियाँ बताना है, पंक्तियाँ किसकी हैं, ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों सूरदास की हैं। विकल्प चार सही है, विकल्प चार सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जबते प्रीत श्याम ते कीनी, जबते प्रीत श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नयनन ने कहूँ नींद न लीनी, ता दिन ते मेरे इन नयनन ने कहूँ नींद न लीनी। दोस्तों पंक्तियाँ बताना है किसकी हैं, पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ हैं परमानंद दास की। विकल्प तीन सही है, परमानंद दास विकल्प तीन सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है 200 भक्तिकाल को ईसाइत धर्म की देन कहा है, भक्तिकाल को ईसाइत धर्म की देन कहा है। दोस्तों ये विकल्प चार सही है, जॉर्ज गियर्सन ने भक्तिकाल को ईसाइत की देन कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 201 भक्तिकाल को इस्लामी प्रभाव कहा है, भक्तिकाल को इस्लामी प्रभाव कहा है। इसमें विकल्प तीन सही है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को इस्लामी प्रभाव कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को इस्लामी प्रभाव कहा है, और गियर्सन ने भक्तिकाल को ईसाई धर्म की देन कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 202, प्रश्न 202 भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन माना है, भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन माना है। इसमें विकल्प दो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को इस्लामी प्रभाव कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प दो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 203 ब्रज कोकिल कहा जाता है, ब्रज कोकिल कहा जाता है, ब्रज कोकिल दोस्तों सत्यनारायण कवि रत्न को कहा जाता है, सत्यनारायण कवि रत्न को कहा जाता है ब्रज कोकिल। दोस्तों विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, इनकी रचनाएं हैं पदावली, जो कि पदावली मैथिली भाषा में हैं, इनके अलावा अवहट भाषाएं भाषा में
कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सेनापति को भक्तिकाल का कवि माना है। सेनापति को भक्तिकाल का कवि माना है। दोस्तों, सेनापति को भक्तिकाल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भक्तिकाल का कवि सेनापति को माना है। चलिए, तो इस प्रश्न 204 प्रश्न का उत्तर विकल्प 3 रामचंद्र शुक्ल सही है। चलिए अगला प्रश्न, विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है। विद्यापति को आदिकाल का कवि, दोस्तों विद्यापति को आदिकाल का कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विकल्प 2 सही है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विद्यापति को आदिकाल का कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चलिए इस अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 202, अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना है दोस्तों चंदायन है। इनमें से सभी सबसे पुरानी चंदायन है, जो कि इसका रचना काल है दोस्तों 1379 ईस्वी, 1379 ईस्वी की रचना है। और ये रचना है दोस्तों मुल्ला दाऊद की रचना है। और सत्यवती कथा की बात की जाए तो इसका रचना काल है दोस्तों 1501 ईस्वी की है, ये 1501 ईस्वी की है। और ये ईश्वरदास की रचना है। और पद्मावत की बात की जाए तो इसका रचना काल है दोस्तों 1540 ईस्वी, इसका रचना काल है। और मृगावती की बात की जाए तो इसके रचना काल हैं दोस्तों कुदबन इसके रचना काल हैं। और इसका रचना काल है दोस्तों 1501 ईस्वी की ये भी रचना है। तो प्रश्न 206 का उत्तर दोस्तों अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना है मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। विकल्प 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि दोस्तों विकल्प 4 तुलसीदास माने जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 4 तुलसीदास सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 208, सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे। सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों। सूफी बेसरा संप्रदाय से संबंधित थे। विकल्प 3 सही है, बेसरा संप्रदाय से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केशवदास को भक्ति काल में गिना है। केशवदास को भक्ति काल में दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिना है। केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विकल्प 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है 210, किस भक्ति कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है। दोस्तों किस भक्ति ने लगभग 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2 सूरदास सही है। सूरदास जी ने 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त किया है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।